भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से सैन्य स्तर पर बातचीत का दौर जारी है, लेकिन एक चिंता पूरे देश के मन में जरूर रही है। चिंता चीन द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर। एलएसी के पास चीन अपने बड़े स्तर पर बसावट को जोर देकर के बना रहा है, कोशिश कर रहा है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा बसावट हो सके। गांव के गांव चीन ने बसा दिए। ऐसे में सवाल ये उठा कि भारत क्या कर रहा है। भारत ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर मजबूत किया है। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर या फिर हमारे चैनल पर भी देखी होगी, जिसमें ये दिखाई पड़ रहा था कि कुछ सैटेलाइट इमेज जारी हुई हैं और उस सैटेलाइट इमेज में हमें चीन द्वारा बनाए गए गांव दिखाई दे रहे हैं, जिसे आने वाले समय में चीन अपने बेस की तरह भी इस्तेमाल कर सके। ये भी कहा गया कि हो सकता है इसे बेस में तब्दील करके चीन अपनी सेना के लिए इस्तेमाल में ला सके। इन खबरों के बीच में संकेत साफ हो गया कि चीन बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत नहीं कर रहा है। भारत बड़े पैमाने पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मजबूत कर रहा है। अब एलएसी को लेकर के आ रही एक और खबर हम आपको बताएंगे। दरअसल बीआरओ इस समय बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्यों को अंजाम तक पहुंचा रहा है। अपने बॉर्डर पर पहले ही वहां मौजूद गांवों को डेवलप कर और उन तक जरूरी सुविधाओं को पहुंचाकर भारत ये पक्का कर रहा है कि वहां बसावट हो, क्योंकि सीमा पर बसावट जरूरी है, नहीं तो घुसपैठ जैसी खबरें बहुत आम हो जाती हैं। यही कारण है कि भारत इस समय अपने विजन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस बात पर दे रहा है। और इसके साथ साथ युद्ध के समय भारतीय सेना तक जरूरी उपकरण समय रहते तक पहुंच सके, इसके लिए जरूरी है कि कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाए। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में हमने रोड और टनल को लेकर के भी कई जानकारी प्राप्त की और उनका उद्घाटन भी देखा। हमने देखा किस तरीके से एक से बढ़कर एक सड़कों का अनावरण किया गया, कई जगह इनका उद्घाटन हुआ। अब फिर एक बार एलएसी के पास बीआरओ ऐसा ही कुछ करने वाला है। पड़ोसी देश की ओर से उकसावे वाली कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इस समय बॉर्डर एरिया पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में बीआरओ जुट चुका है। अब इन सब के बीच नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने 5 सड़क के निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है। अब दुनिया में सबसे ऊंचाई यानी 17,000 की फीट पर स्थित एयर स्ट्रिप तक चमचमाती सड़क का निर्माण संभव हो पाएगा। ये फैसला सामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल NBWL ने 5 रोड स्ट्रेच के निर्माण को हरी झंडी दिखाई है। इनमें दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट से काराकोरम दर्रा तक जाने वाली 14 किलोमीटर लंबी सड़क भी शामिल है। ये चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा से काफी पास है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट से एलएसी तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। बता दें 17,000 की फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है। एलएसी के पास चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले वातावरण में सैनिकों, सप्लाई और सैन्य साजो सामान को तेजी से मौके पर पहुंचाना आसान होगा। सामरिक लिहाज से दौलत बेग एयरपोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दौलत बेग एयरपोर्ट का कार्यक्रम पास तक एक सड़क के माध्यम से जुड़ना भारतीय सेना को वही शक्ति प्रदान करता है और ये बता रहा है कि भारतीय सेना के आने वाली तारीखों में मजबूती का आधार भारत कैसे बड़े स्तर पर तैयार कर रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें बताइए। जय हिंद।